गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम इन आर इंग्लिश वेनिया। आज की हेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्रेशिया पेमेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया पर क्या डिसीजन लिया है, क्या अपना राय लिया है। एक्स ग्रेशिया मतलब एक लैटिन वर्ड है, जो एक्स ग्रेशिया देख रहे हैं एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हेल्पफुल डीड, यानी जो मदद में या एक एहसान या गिफ्ट के तौर पर किया गया काम होता है, कहने के जो मदद की गई है गवर्नमेंट के द्वारा उस पर सरकार की क्या डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है। सेंटर सेज फोकस इज ऑन इशूइंग फंड्स फॉर फूड मेडिकल केयर। सेंटर क्या कहती है, सेंटर कहती है हमारा फोकस किस पर है, फंड्स को रिलीज करना, यानी जो पैसे हैं पैसे को तो मैं रिलीज कर रहा हूं लेकिन किस चीज के लिए, फूड्स के लिए और मेडिकल केयर के लिए मैं रिलीज कर रहा हूं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क द गवर्नमेंट वेदर इट इज हैज टेकन ए डिसीजन टू नॉट टू पे एक्सग्रेशिया टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस टू कोविड-19। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को पूछा, किससे पूछा, भारत सरकार से पूछा, क्या इट हैज टेकन ए डिसीजन टू नॉट पे एक्सग्रेशिया टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस टू कोविड-19। क्या सरकार ने ये फैसला लिया है, ये डिसीजन लिया है कि जो कोविड-19 में अपने चाहते को या अपने चाहने वालों को खो चुके हैं, क्या उनको ये पेमेंट एक्सग्रेशिया यानी जो हेल्पफुल डीड है या उनका एक कह सकते हो राहत है, राहत पैकेज है 4 लाख का, क्या उन्हें नहीं देने का फैसला लिया है। फिर आगे कहते हैं Is there any decision taken? क्या कोई डिसीजन लिया गया है that there is no need to pay Ekgratia, कि Ekgratia यानी जो गिफ्ट के रूप में 4 लाख रुपए ये हुआ है कि जिस भी परिवार में किसी की लॉस हुई है, डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, उनको 4 लाख दिया जाएगा। तो क्या ये डिसीजन लिया गया है कि किसी को भी 4 लाख देने की जरूरत नहीं है। और is it a case of नो डिसीजन, या फिर किस केस लेने का मतलब, ये ऐसा कोई डिसीजन कि कोई केस लिया ही नहीं गया, ये किसने कहा है। जस्टिस अशोक भूषण आस्क सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जस्टिस अशोक भूषण ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा क्या कोई यहाँ पर डिसीजन लिया जा चुका है कि मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी उन्हें 4 लाख रुपये में जो पैकेज मिलने वाला था, गिफ्ट मिलने वाला था, उसकी नहीं जरूरत है, या इज देयर ए डिसीजन, और या कोई यहाँ पर कोई और निर्णय है या कोई और फैसला लिया गया है। फिर यह पूछ रहे हैं इज इट अ केस ऑफ नो डिसीजन, या कोई ऐसा मामला जहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये किसने पूछा है, अशोक भूषण ने जनरल तुषार मेहता से पूछा। Where is the decision that there is no need for Ekgratia? करे where is the decision? वो निर्णय कहाँ है कि ये लिया गया है निर्णय कि कोई भी Ekgratia की यानी गिफ्ट की 4 लाख पैकेज की जो पीड़ित हुए कोविड-19 में, किसी ने अपने चहेतों को खोया है, क्या उन्हें ऐसा निर्णय लिया गया, वो निर्णय कहाँ है, where is the decision, वो निर्णय कहाँ है, that मतलब कि there is no need, कोई जरूरत नहीं है for Ekgratia, यहाँ पर उपहार की या गिफ्ट की, उसकी फेवर की कोई जरूरत नहीं है, वो कहाँ है। जस्टिस एम आर शाह द अदर जज ऑन द बेंच ऑल्सो इंक्वायर्ड, जो जस्टिस एम आर शाह हैं और उनके अलावा जो और जज है उस बेंच में, उन्होंने सभी इंक्वायरी की। ही इवन आस्क, यहाँ तक कि उसने ये भी पूछा, उन्होंने ये भी पूछा वेदर द गवर्नमेंट में सरकार ने क्या गवर्नमेंट ने बाय मेंटेनिंग द कोविड-19 वॉज नॉट वन टाइम डिजास्टर, क्या इस मेंटेन जो किया कोविड-19 को, यह एक बार में प्रलय नहीं था, ये वन टाइम प्रलय नहीं माना जाएगा। वॉज इन्फरिंग दैट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू द पेंडेमिक, क्या कह रहे हैं, या फिर ये होगा इन्फर मतलब इंट्रोड्यूस करना या बताना, क्या ये भी नहीं माना जाएगा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये आता है कि एक महामारी है, ये भी नहीं आता। The question from the bench came even as the union government clarified that, question वहाँ से आया, bench से आया, कब आया, कि जैसा कि union government ने ये clarify किया, ये बताया that it had money, कि इसके पास पैसा था, but क्या वो focus was on utilizing fund for food, medical care, oxygen vaccination, pumping up the economy rather than the pay one time compensation of 4 lakh Each two families of the people who died of COVID-19. कह रहे इसके पास गवर्नमेंट के पास पैसा था लेकिन फोकस इस पर है कि इस फंड को, इस पैसे को किस पर यूज किया जाए, फूड पर यूज किया जाए, मेडिकल केयर पर यूज किया जाए, ऑक्सीजन वैक्सीनेशन पर, इस सभी पर यूज किया जाए और इकोनॉमी को अपने बूस्ट को बढ़ाने पर यूज किया जाए,
बावजूद इसके कि किसी को 4 लाख एक पैकेज दे दिया जाए, इस जो कोविड-19 में अपने किसी चहेते को खो चुके हैं, इस पर फोकस करिए, गवर्नमेंट के पास पैसा है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर ट्विटर पे क्या हुआ था, ट्विस्टेड ऑन ट्विटर, ट्विटर पे कुछ और ये कह रही सरकार की तोड़ मड़ोड़ के डेटा को प्रस्तुत किया गया है, कह रहे इट इज नॉट दैट वी डू नॉट हैव मनी, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इट इज दैट यह मामला ये है कि दैट आर फोकस, कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, हमारा लक्ष्य क्या है, इज रेदर ऑन एक्सपेंडिचर, हमारा तो रेदर कहीं ज्यादा इस पर खर्च करने का है, लेकिन किसके, फॉर थिंग्स, उन चीजों के लिए जैसे लाइक पब्लिक हेल्थ मैनेज, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, सोशल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक रिकवरी फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटीज, हमारा तो काफी मतलब है पैसा, हमारे पास ऐसा नहीं कि पैसा ये नहीं है, और हमारे जो ट्विटर पर कुछ डेटा को कुछ और कह के मतलब प्रस्तुत किया गया, वो कहने का मतलब नहीं है, बल्कि आप जांच पड़ताल करेंगे, इंटरवेंशंस करेंगे, देखें तो हमारे जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस है, पब्लिक की जांच पड़ताल करके उनको उसको राहत सामग्री दी जाएगी, सोशल प्रोटेक्शन सामाजिक उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, इस पर खर्च करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमी अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर आ जाए, हम इस पर करना चाहते हैं, और फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटीज, जो पीड़ित हुए हैं तो मतलब कोविड-19 से, उन पर खर्चा करने के पूरे मकसद है, ये नहीं कि हम किसी को 4 लाख एक मुश्त या एक ही बार में 4 लाख हम दे दें, हम इस पर फोकस नहीं करना चाहते, ये सरकार का कहना है। He said the contents of the government's June 19 affidavit explaining its financial properties for COVID-19 management was twisted and misrepresented on Twitter. ये क्लेम किया है कि जैसा उन्होंने कि एक एफिडेविट फाइल किया था 19 जून को, ये बताते हुए कि उनके फाइनेंशियल, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, यानी जो वित्तीय उनकी जिम्मेदारियां क्या है, किस पर वो फाइनेंशियल ज़्यादा खर्च करेंगे कोविड-19 मैनेजमेंट 2019 में, तो वे कह रहे कि जो मैंने बताया था उस एफिडेविट में, एफिडेविट मतलब होता है किसी चीज़ को आप प्रॉमिस करके कोई डेटा प्रस्तुत करते किसी लिखित पेपर पर, तो ट्विटर पर मिस रिप्रेजेंटेड किया गया, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। जस्टिस शाह सेड द गवर्नमेंट नीड नॉट डिफेंड इटसेल्फ इन कोर्ट अगेंस्ट व्हाट वाज सेड ऑन ट्विटर। तो जस्टिस शाह ने कहा कि सरकार ने जो ट्विटर पर कहा है उसका समर्थन करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ही हूएवर एग्रीड दैट मिस्टर मेहता वाज राइट टू क्लेरिफाई, वो कोई भी जो ये सहमत है इस चीज़ को मिस्टर मेहता सही थे इस चीज़ बताने में, क्लेरिफाई करने में, विस्तार करने में, टू से दैट ये कहने में दैट सेंटर हैज़ नो मनी, कि सेंटर के पास कोई पैसा नहीं है, हैज़ वॉइड सरकार के पास वाइड रिपरकशंस है, रिपरकशंस मतलब कंसिक्वेंसेस से बहुत भारी रिजल्ट है, ही ऑब्जर्व, उन्हें ऐसा लगा कि सरकार के पास बहुत बड़ी समस्या सामने, सीनियर एडवोकेट एस बी उपाध्याय फॉर द पिटिशनर्स सेड बट इफ दे डू नॉट हैव द मनी, लेकिन कह रहे अगर उनके पास पैसा नहीं है, जो सीनियर एडवोकेट हैं एस वी उपाध्याय, उन्होंने कहा कि अगर फॉर द पिटिशनर, यानी पिटिशनर के लिए कहा, ये कहा कि अगर उनके पास, बट इफ दे डू नॉट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है, तो कह रहे व्हाई शुड दे नॉट कंप्ली विद देयर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू प्रोवाइड एक्स ग्रेशिया टू कोविड-19 विक्टिज्म। कह रहे उनके पास अगर ऐसी बात है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर ये हमारे साथ कॉम्प्ली विथ मतलब एग्रीन क्यों नहीं करते कि ये मान ले कि जो स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, स्टेट्यूटरी मतलब जो आपकी वैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जरूरी हैं, जो सबसे ज़्यादा कानूनी जिम्मेदारियां हैं, सबसे सेक्शन 12 में आती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है कि कोई आपके ऊपर पड़ले आ जाता तो जो आपका सेक्शन है 12 कहता है, तो उसकी जिम्मेदारियां क्यों नहीं वो पूरे करते हैं, अगर ऐसा है तो क्या करें, एक्ट टू प्रोवाइड एक्स ग्रेशिया, और अगर वो सेक्शन 12 हम देखें तो कोई भी अगर सामाजिक कोई भी इंडिया में या अपने इस देश में कोविड-19 हो या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत देखा जाए तो 12 सेक्शन के अनुसार उसको क्या करनी चाहिए, फैसिलिटी दी जानी चाहिए, उसने जो लॉस किया उसके बदले उसे मुआवजा मिलना चाहिए, तो एक्स ग्रेशिया जो मुआवजा यहाँ पर दैनिक सरकार बात कर रही है, तो क्यों ना वो वैधानिक चीज़ जिम्मेदारी को पूरा करे। द गवर्नमेंट हैड इटसेल्फ डिक्लेयर, गवर्नमेंट खुद ये बात बता चुकी है कि कोविड-19 ए नेशनल डिजास्टर, की कोविड-19 एक क्या है, राष्ट्रीय प्रलय है, एक राष्ट्रीय महामारी है,
ही सबमिटेड, ये बताते हुए सरकार ने खुद कहा। जब ऐसी बात सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय आपदा है, तो इस राष्ट्रीय आपदा में सरकार को चाहिए कि कोविड-19 जैसे है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 12 के तहत उसे जो भी इस चीज़ से विक्टिम है, जो पीड़ित हैं इस डिजास्टर से की वजह से, इस पल्ले की वजह से, इस महामारी की वजह से, तो उसे सरकार की मदद, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। द पिटिशनर हैव हाईलाइटेड 2015 नोटिफिकेशन, जो पिटिशनर जिन्होंने याचिका दायर की थी उसने ये हाईलाइटेड किया, ये बहुत ज़्यादा जागरूक हाईलाइट किया, नोटिफिकेशन में बताया विच रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू पे एन एक्रेशिया ऑफ 4 लाख, और ये बताया उसमें कि कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने में, जो भी विक्टिम पीड़ित हुए हैं इस महामारी के समय, उस विक्टिम को, उस पीड़ित को कम से कम 4 लाख रुपये प्रत्येक विक्टिम को या उसके फैमिली को अंडर सेक्शन 12 के तहत में देना चाहिए सरकार को। ऐसा वो कह रहे हैं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है। जस्टिस अशोक भूषण ने क्या कहा है, कहे इज देयर एनी डिसीजन टेकन, क्या कोई निर्णय लिया गया है, दैट की देयर इज नो नीड, कि कोई जरूरत नहीं है टू पे, भुगतान करने की एक्सक्रेशिया यानी मुआवजे की राशि को, या हेल्पफुल जो डीड काम करने को सरकार की, कोई जरूरत नहीं है, क्या ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है, इज देयर अ डिसीजन, क्या कोई ऐसा निर्णय है, और या इज इट ए केस ऑफ नो डिसीजन, या फिर निर्णय लेने का कोई मामला ही नहीं है, ऐसा किसने कहा, जस्टिस अशोक भूषण ने कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर गवर्नमेंट, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का गवर्नमेंट के लिए क्या कहना है, इट इज़ नॉट दैट वी डू नॉट हैव मनी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इट इज़ दैट, मामला ये है कि आर फोकस इज रेदर ऑन इस एक्सपेंडिचर, हमारा तो फोकस और कहीं ज़्यादा खर्च करने की या खर्चों पर है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चों पर है, फॉर अदर थिंग्स, अन्य दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे लाइक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस यानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खर्च करना है, सोशल प्रोटेक्शन सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्च करना है, इकोनॉमिक रिकवरी फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटीज, ऐसे लोग जो इस महामारी के चलते अफेक्टेड प्रभावित हुए हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने पर खर्च करने के टारगेट है, ऐसा हमारा फोकस है। फिर आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे SB उपाध्याय जी क्या कहते हैं, फॉर द पिटिशनर, जिन्होंने पिटिशनर फाइल की है, याचिका दायर की है, इफ़ दे डू हैव मनी, अगर उनके पास पैसा है, वाई शुड दे नॉट कंप्ली विथ देयर स्टेट्यूटरी ऑब्लीगेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू प्रोवाइड एक्सक्रेशिया टू कोविड विक्टिम्स, कह रहे हैं उनके पास अगर पैसा है तो वो लोग एग्री क्यों नहीं करते कि वो जिम्मेदारी संवैधानिक या वैधानिक रूप की जिम्मेदारी जो होती है, उनके जो आपका कानूनी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पीड़ित को आता है कि आप उसे मुआवजा दीजिए सेक्शन 12 के तहत, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये उन्होंने पूछा है किसने, SB उपाध्याय ने।